तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग रियलमी डिवाइस के अपने जो सिस्टम ऐप्स होते हैं उसे आप लोग अपडेट कर सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और इस अपडेट के अंदर आप लोग क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जो है आप लोग मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए एंड वहाँ पर जो है आप लोग को सारे एप्लीकेशन के जो है लिंक मैं गूगल ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोग एक एक करके सारे इंस्टॉल कर लेना है एंड मैं पहले इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड आगे मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर आप लोगों को जो है नया क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि फोटोज़ के अंदर जो है आप लोग क्या नया देखने को मिलता है। तो अगर आप इसे ओपन करते हैं यहाँ पर देख सकते हो पहले आप लोग चेंज देखना मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो है आप लोग फोटोज़ एकदम टॉप से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि पहले नीचे से था एंड आप लोग यहाँ पर नीचे से भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो अभी जो फोटो से आप लोगों को नीचे की तरफ देखने को मिलेगा एंड अगर चाहते हो और भी सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो ऑटो प्ले वीडियोज़ विदाउट अ साउंड ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन देखने को दिया गया है। जैसे कि देख सकते हो अगर आप लोग कभी भी फोटोज़ या वीडियोस शेयर करते हो तो यहाँ से जो आप लोग रिमूव लोकेशन एंड रिमूव अदर प्रॉपर्टीज है जैसे कि इसे हाइड कर सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ जो आप लोग को एक्सेस टू एल्बम देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर इसे ऑन करते हो तो यहाँ पर जो है आप लोगों को अभी ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं वीडियोस वीडियोस फेवरेट पीपल प्लेसेस वगैरह अलग अलग करके देखने को मिल जाता है। अगर चाहते हो एडिट के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नया देखने को नहीं मिलता जो पहले था वही आप लोगों को देखने को मिलता है। फीचर के अंदर सारे सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं कुछ नया नहीं है। तो इस अपडेट के अंदर इतना ही आप लोगों को और उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो क्लॉक के अंदर तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ नया यूआई देखने को मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हो सारे आप लोगों को जो सारे ऑप्शन देखने को मिलता है वो नीचे की तरफ आ चुका है एंड यहाँ पर भी आप लोगों को यूआई में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है एंड अगर आप लोग ऐड अलार्म पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो यूआई में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाता है एंड रिंगटोन के अंदर भी आप लोग को ये सारे कुछ नए रिंगटोन नहीं आया बट ये आप लोग अंदर। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पर मैसेजेस करना चाहते हो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो जो टूपल्स होता है मैसेज एंड नोटिस का वो नीचे की तरफ आ चुका है ऊपर की तरफ जो है बड़ा बड़ा लिखा देखने को मिलता है एंड अगर चाहते हो सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पर जो है आप लोगों को एक नया ऑप्शन देखना होता है जैसे स्वाइप लेफ्ट टू डिलीट तो इसे आप लोग ऑन कर सकते हो और ऊपर की तरफ जो है आप लोगों को नेटवर्क मैसेजिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कैलकुलेटर के अंदर तो यहाँ पर जो है आप लोगों को नया देखने को नहीं मिलता है कुछ बट यहाँ पर जो यू आई है वो आप लोगों को चेंज देखने को मिल जाता है जैसे कि देख सकते हो ये थोड़ा सा मेटेरियल टाइप का डिज़ाइन दिया गया है एंड ऊपर की तरफ आप लोग चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग को जो वही मोड्स देखने को मिल जाते हैं सारा जो पहले था एंड यहाँ पर आप लोग को साइंटिफिक एंड सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये अपडेट आप लोगों को यहाँ पर जो है थोड़ा सा यूआई चेंज देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप बात करें वेदर अपेक्षा की तो यहाँ पर जो है आप लोगों को नया यूआई देखने को मिल जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो ऊपर का जो लोकेशन जो लिखा आता है वो आप लोगों को इतना बड़ा देखने को मिलता है नीचे तरह आप लोग को काफ़ी तरह ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके बाद जो है आप लोग यहाँ से अगर आप लोग जाते हो सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे रेन अलर्ट एंड यहाँ पर मेटेरोलॉजिक अलर्ट एंड वेदर डिटेल्स के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पर जो आप लोगों इसे ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो होम स्क्रीन से। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर आप लोगों को देखना मिलता है जो रियलमी वाई 3.0 के अंदर आप लोगों को देखना मिल जाएगा बट यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को अर्ली अपडेट दे दिया है एंड उसके बाद अगर चाहते हो कॉम्पस के अंदर तो यहाँ पर भी आप लोगों को वही सेम चीज़ देखने को मिलते हैं जो कि जो कॉम्पस है जो ये लेवल का ऑप्शन आता है वो नीचे की तरफ आ चुके हैं बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो है अब वही सेम चीज़ देखने को मिलता है ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है एंड ये जो कलर है ब्लू कलर का हो चुका है एंड अगर चाहते हो सेटिंग्स के अंदर तो सेटिंग्स के अंदर भी आप लोगों को ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना एंड मैं भी तब से अगले वाले वीडियो के अंदर।